नमस्कार दोस्तों, प्राज्ञ ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। जैसा मेरा मानना है कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं महेश चौधरी फिर आज एक नई क्लास के साथ। दोस्तों, आप लोगों को इस बात का पता होगा कि इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं रीजनिंग के अंदर अल्फाबेट के टू पार्ट्स, यानी दो क्लासे आप लोग ले चुके हैं। फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को जो बताया था वह बताया था कोड एंड ए, उस टॉपिक के माध्यम से हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या नहीं पढ़ेंगे, वो टॉपिक हम लोगों के कहाँ कहाँ काम में आएगा, ये बातों का चिंतन हम लोगों ने उस फर्स्ट नंबर पार्ट में किया था। और सेकेंड जो पार्ट आया था उसके अंदर मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को अल्फाबेट के अंदर सबसे पहले अपोजिट बताया था। अपोजिट बताने के बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्फाबेट की लेफ्ट साइड कौन सी होती है, अल्फाबेट की राइट साइड कौन सी होती है। और इसी के साथ मैंने ये भी बताया था कि क्वेश्चन में यदि बायां बायां हो तो हमें क्या करना है, दायां दायां हो तो हमें क्या करना है, बायां दायां हो तो हमें क्या करना है, एंड दायां बायां हो तो हम लोगों को क्या करना है। दोस्तों, जहां तक मेरा मानना है पहले वाली क्लास आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। यदि पहले वाली क्लास आप लोग अच्छे से पढ़े हैं तो गारंटी है कि आपका कोई भी क्वेश्चन नेक्स्ट जो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वह आप लोगों का गलत नहीं होगा। हम अल्फाबेट का जो टॉपिक था उसके अंदर स्टेप नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर दी थी, वह कर दी थी अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित, मींस अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। और अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट के अंदर मेरे दोस्तों शर्त नंबर फर्स्ट यानी कंडीशन नंबर फर्स्ट के मैंने चार क्वेश्चन करवा दिए थे। और फर्स्ट जो कंडीशन नंबर चार फर्स्ट के मैंने जो चार क्वेश्चन करवाए थे उनके अंदर जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था वो करवाया था लेफ्ट साइड से, मीन्स बाई छोर से। और मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक छोटी सी बात ये सिखाई थी कि जब भी क्वेश्चन में हमें एक ही साइड से चलना हो तो जोड़ने पर घटाने पर जो भी मान आएगा वह क्वेश्चन की फाइनल वैल्यू होगी। आज मेरे दोस्तों मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने शर्त नंबर टू, शर्त नंबर टू क्या है मेरे दोस्तों। पहले आराम से आपको ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। जल्दबाजी आपको 1% भी नहीं करनी है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को आराम से ढंग से आपको समझना है कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें किधर से चलना है, किधर से नहीं चलना है। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, यहां मैं बता रहा हूं, आपके साथी स्टूडेंट बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर जब ये क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आप लोग अकेले होंगे, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। माना कि शर्त नंबर टू के माध्यम से सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर मैं मेथड से भी दूंगा और ट्रिक से भी दूंगा, लेकिन पहले आपको क्वेश्चन का आंसर मेथड से आना जरूरी है। जैसे शर्त नंबर टू के अंदर एक क्वेश्चन आया अंग्रेजी वर्णमाला के दाई छोर से पांचवे अक्षर के बाएं नवा अक्षर क्या होगा। कुछ बंदे तो मुझे पता है क्वेश्चन को देखते ही उड़ा चुके हैं, उड़ाने के साथ ही वो क्वेश्चन का आंसर निकाल भी चुके हैं, लेकिन जो आंसर उन्होंने निकाला है वो भयानक गलत निकाला है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा है। जो स्टूडेंट क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेगा, क्वेश्चन को डिसाइड करना नहीं सीख पाएगा, उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, मैं बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर यदि हम मेथड के माध्यम से दें तो कैसे देंगे। यदि आपको मेथड के माध्यम से क्वेश्चन का आंसर देना है तो पहली बात यह है कि एग्जाम के अंदर मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अल्फाबेट आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी। जैसे मैंने यहां पर लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी
क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हमारी जो अल्फ़ाबेट है वह इस टाइप से लिखी हुई है, और मैंने आप लोगों को ये भी समझाया था कि अल्फ़ाबेट की जो ये साइड होती है इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा छोर, बायां छोर, मीन्स लेफ्ट साइड। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा छोर, दायां छोर, मीन्स यानी मैंने आप लोगों को बताया था राइट साइड। देखो यदि क्वेश्चन का आंसर आपको मेथड के माध्यम से देना है तो ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आने के बाद में आप लोगों को स्वयं को अपने द्वारा अल्फ़ाबेट लिखनी होगी। चलो आप लोगों ने लिख भी लिया, लिखने के बाद में अब आपका क्वेश्चन का आंसर मेथड के माध्यम से हम कैसे दें, क्वेश्चन को यहां से हमें पढ़ना है। अंग्रेजी वर्णमाला इस चीज को पढ़ो तो अच्छी बात है, ना पढ़ो तो भी अच्छी बात है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में बड़े ही प्यार भरी नजरों के साथ आपको आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के साथ ही आपको देखना है कि यहाँ पे जो साइड दे रखी है, यहाँ पे जो छोर दे रखा है वह कौन सा दिया हुआ है। आप लोगों ने देखा कि सर यहां तो दायां छोर दे रखा है, अरे दायां छोर दे रखा है तो सबसे पहले आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को चलना कहां से है। दायां छोर का मतलब आपको यह भी पता है कि अल्फाबेट का दायां छोर स्टार्ट होता है हमारा कहां से, जेड से, मीन्स इस क्वेश्चन में हम लोगों को कहां से चलना है, जेड से। चलो भाई साहब जेड से चलना है, कोई बात नहीं। कौन सा अक्षर चलना है, पांचवा अक्षर, यहां से काउंट करना है। काउंट करेंगे हम लोग, एक दो तीन चार पांच, यानी हमें कौन मिला, वी मिला। वी का आपको ये भी पता है, ये क्या होगा, राइट होगा, और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। अब क्वेश्चन के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के साथ ही क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है क्या, बायां, और बायां की जो वैल्यू दे रखी है वह हम लोगों को कितने दे रखी है, नौ दे रखी है। तो नौ देने के साथ ही मेरे दोस्तों आपको पता है ये लेफ्ट है। मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा भी बता रहा हूं कि राइट एंड लेफ्ट बनाते वक्त आपको जिंदगी में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपका जो राइट होगा वही इसका राइट होगा, आपका जो लेफ्ट है वही इसका क्या होगा, लेफ्ट होगा। आइए मेरे दोस्तों अब हमें लेफ्ट चलना है, लेफ्ट तो चलना है लेकिन चलना कितना, नौ है। यहां से काउंट करना है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ के बाद में नौ, अतः हम लोग कहेंगे कि क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास जो होगा वह क्या होगा, एम होगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर आपने इस क्वेश्चन का जवाब तो मेथड से दे दिया, क्या हमें इस क्वेश्चन का आंसर ट्रिक से नहीं आएगा। आपने तो पहले जो चार क्वेश्चन दिए थे उनके अंदर तो ट्रिक बताकर हमें आपने राजी कर दिया, मीन्स यानी कि अब जो आगे ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर ट्रिक से नहीं आएगा। नहीं मेरे दोस्तों, ये आप लोगों का मानना गलत है, आप लोग थोड़ा सा मेरे पे विश्वास करें, जो मैं बताऊंगा वह ट्रिक एंड मेथड दोनों के माध्यम से बताऊंगा। अगर गलती से ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो पहली बात यह है कि मेथड यदि आप लोग लगाओगे तो वहां पे आपको यानी कि अल्फाबेट लिखनी होगी, और लिखोगे तो इतना समय लगेगा कि पूछिए मत। अतः यदि हमें क्वेश्चन का आंसर ट्रिक से देना है तो सबसे पहले यहां चले हैं, यहां हमें क्या मिला है, दायां, दायां की वैल्यू कितनी है, पांच। फिर क्वेश्चन में क्या है, बायां, बायां की वैल्यू हमारे पास कितनी है, नौ। एक बात बताओ दोस्तों, ये तो मैंने पहले ही आपको सिखा चुका है कि पहले दायां और फिर बायां, तो बीच में निशान किसका होगा, प्लस का। नौ और पांच हमारे पास होते हैं कितने, चौदह। आप सबको पता है कि सर चौदह पे तो एन आता है। मैं सभी से यहां एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, यदि आप लोग रियल में पढ़ रहे हैं या रियल में इससे पहले वाली क्लास देखी है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग गलत नहीं करेंगे, और जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं उसका आंसर भी आप लोग सही देंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर एन होता यदि ये क्वेश्चन स्टार्ट होता कहां से। मन ही मन बोलने की कोशिश करें, मैं मानता हूं आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा, लेकिन मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं, और जैसे ही मैं क्वेश्चन आप लोगों से करूं तो आप क्वेश्चन का आंसर दिया करो, और जब मेरा क्वेश्चन का आंसर और आपके क्वेश्चन का आंसर सेम मिल जाए तो अपने आप हम ये कह सकते हैं कि हम टीचर से डायरेक्टली पढ़ रहे हैं।
अतः मेरे दोस्तों, मैं फिर आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर एन होता यदि ये क्वेश्चन स्टार्ट होता दोस्तों कहां से, बायां से। बायां का मतलब कहां से, ए से। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा क्या ये क्वेश्चन ए से स्टार्ट है? आप लोग कहेंगे नहीं सर, ये तो ए से स्टार्ट तो नहीं है, ये क्वेश्चन कहां से स्टार्ट है? जेड से स्टार्ट है। तो याद रखना है, थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना है, जब भी क्वेश्चन जेड से स्टार्ट होगा तो जोड़ने पर घटाने पर जो मान आएगा वह क्वेश्चन का फाइनल आंसर नहीं होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन जेड से स्टार्ट हो रहा हो तो जोड़ने पर घटाने पर जो मान आएगा वह क्वेश्चन का फाइनल आंसर नहीं होगा। अरे मेरे दोस्तों, मैंने आपको 13 अपोजिट याद करवाए थे, ए का अपोजिट जेड करवाया था, बी का अपोजिट वाई करवाया था, सी का अपोजिट एक्स करवाया था, उसी प्रकार एन का जो अपोजिट करवाया था वह क्या करवाया था? एम करवाया था। अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? एम होगा। कुछ भाई ये बोल रहे हैं, बोले गुरुजी अपोजिट वाला सिस्टम थोड़ा सा कम बैठ रहा है, कोई और कोई जुगाड़ नहीं है क्या? अरे चिंतित क्यों होते हो मेरे दोस्तों, आपको आराम से बोर्ड पे ध्यान देना है। याद रखना, जब भी क्वेश्चन जेड से स्टार्ट होता है तो आए हुए मान को परमानेंट 27 में से घटाना है। कितने में से घटाना है? 27 में से। 27 कहां से आया? ए आता है एक पर, जेड आता है 26 पे, दोनों का योग कितना होगा? 27 होगा। अतः आप लोग सीख चुके हैं कि यदि हम लोग 27 में से 14 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 13। मैं पूछना चाहूंगा, चलो अब बताओ 13 पे अल्फाबेट में कौन आता है? एम आता है। फाइनली सीखने को क्या मिला? फाइनली सीखने को यह मिला है कि यदि क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा हो कहां से? जेड से, तो जोड़ने पर घटाने पर जो भी मान होगा वह क्वेश्चन का फाइनल आंसर नहीं होगा। उसका या तो अपोजिट आंसर देना है, यदि अपोजिट आंसर नहीं देते हैं तो उसको घटाना है कितने में से? 27 में से। अतः मेरे दोस्तों, जहां तक मेरा मानना है आप लोग सीख चुके होंगे। याद रखना, यहां मैं आप लोगों को सामने एक लाइन लिख रहा हूं, यदि प्रश्न जेड से प्रारंभ हो रहा हो तो जोड़ने पर तथा घटाने पर जो मान आता है वह प्रश्न का सही उत्तर नहीं होता है। उसको 27 में से घटाना होता है। मैं चाहूंगा कि ये आप लोग जो मैंने लिखा है इसको ऐसा का ऐसा एज इट ही अपने नोटबुक में उतार लें। जहां तक मेरा मानना है आप लोग सीख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। याद परमानेंट आपको ये रखना है कि यदि क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा हो हमारा कहां से? जेड से, तो चाहे जोड़ा जाए चाहे घटाया जाए जो भी मान आता है वह प्रश्न का सही उत्तर नहीं होता है। उसको हमेशा हम लोग घटाएंगे कितने में से? 27 में से। एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन आया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दाई छोर से बीसवें अक्षर के दाएं दसवां अक्षर
क्या होगा मेथड से। यदि आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे तो भी आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर आएगा, यदि आप लोग ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहे हैं तो भी आपके क्वेश्चन का आंसर 100% सही होगा। आइए मेरे दोस्तों, अब हम लोग समय नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और देखते ही उड़ाएंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले दे रखा है दायां, मीन्स यहां आप लोगों को लिखना है दायां। दायां का आगे देखो मान कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, तो यहां दायां के नीचे 20 लिखेंगे। आगे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है फिर दोबारा से दायां, और दायां का मान हमारे पास कितना है 10, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे दायां, और दायां का मान कितना है 10। याद रखना है रावड़ी राठौड़ बनना है। थोड़ी देर पहले ही मैंने इससे पहले वाली कक्षा के अंदर मैंने आपको बताया था कि सेम कंडीशन हमेशा क्या होती है, लेस होती है। अपोजिट कंडीशन हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। तो दायां दायां किसका निशान, माइनस का। 20 में से 10 गए तो कितना बचा, 10 बचा। 20 में से 10 गए तो कितना बचा, 10 बचा। अरे मैं पूछना चाहूंगा 10 पे वैसे कौन आता है, जे। और इस क्वेश्चन का आंसर जे होता यदि ये क्वेश्चन स्टार्ट होता हमारा कहां से, ए से। लेकिन क्या ये क्वेश्चन ए से स्टार्ट है, आप लोग कहोगे कि नहीं सर ये तो ए से स्टार्ट नहीं है, जेड से स्टार्ट है। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको घटा सकते हैं कितने में से, 27 में से। 27 में से 10 गए तो कितने बचे, 17, और 17 पे कौन आता है, क्यों। अतः आप लोग समझ चुके हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, क्यों होगा। दो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 3, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के दाई छोर से 10वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने बड़ा जानबूझ के आपको करवाया है, और जहां तक मेरा मानना है ऐसी मैं शर्त नंबर फर्स्ट के अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन आपको सोल्व करवाया था। आप लोग समझ चुके होंगे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के हमें कौन से छोर से चलना है, दाएं से चलना है। मीन्स सबसे पहले आप लोग समझ चुके हैं कि हमें जेड से चलना है। भाई साहब यहां पे हमें लिखना है दायां, और दायां का मान हमें लोगों को लिखना है कितना, 10। फिर आपको आगे क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में यहां दे रखा है बायां, तो यहां पे आपको लिखना है बायां, और बायां का जो मान है वह हमारे पास कितना है, 7 है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है दायां, और दायां का जो मान है वह हम लोगों के पास कितना दे रखा है, 5। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जब क्वेश्चन दो स्टेप में हो तब तो आपको ध्यान देना है कि दायां दायां है या दायां बायां है। दायां दायां है तो माइनस कर दीजिएगा, दायां बायां है तो प्लस कर दीजिएगा। लेकिन जब भी क्वेश्चन दो से अधिक स्टेप में हो तो सबसे पहला काम इनको नंबरिंग देना है। नंबरिंग आप लोगों ने दिया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। ये नंबरिंग देने के बाद में मेरे दोस्तों आपको ये भी पता है सबसे पहले हम लोग जो सोल्व करेंगे वह करेंगे 1 नंबर एंड 2 नंबर को। 1 नंबर और 2 नंबर को सोल्व करने का मतलब यहां पहले दायां है फिर बायां है, तो बीच में निशान किसका होगा, प्लस का होगा। प्लस का होने का मतलब हम कह सकते हैं 10 और 7 कितना होगा, 17 होगा। मैं पूछना चाहूंगा ये 17 वैल्यू 1 नंबर की बनेगी या 2 नंबर की। तो पहले ही मैं आपको बता चुका कि 2 नंबर सोल्व हो चुका है, यहां 1 नंबर की वैल्यू बन चुकी है कितने, 17। अब 17 वैल्यू बनने का मतलब है कि 1 नंबर का मतलब क्या है, दायां, और दायां का मान हमारे पास कितना है, 17। अब हमें सोल्व करना है 1 नंबर और कितना नंबर, 3 नंबर। 1 नंबर का मतलब क्या है, दायां। 3 नंबर का मतलब क्या है, दायां। अरे दोस्तों दायां दायां जो निशान होगा वह किसका होगा, माइनस का होगा। 17 में से 5 घटाएंगे हमारे पास कितना बचेगा, 12 बचेगा। लेकिन 12 पे एल आता है, क्या क्वेश्चन का आंसर एल सही होगा। आप लोग कहेंगे नहीं सर एल तो सही नहीं होगा, इसको घटा दें कितने में से, 27 में से।
यदि 27 में से हम लोग 12 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 15, और 15 पे जो हमारे पास आएगा वह कौन आएगा, ओ आएगा दोस्तों, कौन आएगा, ओ आएगा। अतः मेरे दोस्तों आप लोगों को सीखने को यहाँ पे क्या मिला है, चाहे क्वेश्चन दो स्टेप में हो, चाहे तीन स्टेप में हो, चाहे चार स्टेप में हो, चाहे छह स्टेप में हो, जब दो से अधिक स्टेप में आ रहा हो तो पहले एक नंबर, दो नंबर को, फिर एक नंबर, तीन नंबर को जो सोल्व होता रहेगा वह यानी कि एक नंबर के नीचे हम लोग लिखते रहेंगे। इसी टाइप का एक बड़ा क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं छोर से बीसवें अक्षर के दाएं 15वें अक्षर के बाएं 90वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। देखो देखे क्वेश्चन मैंने लिखा दिया है, मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग स्वयं दें। सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़ा, अंग्रेजी वर्णमाला यहां छोड़ दे रखा है, कौन सा, दायां। तो सबसे पहला काम आप लोगों को यहां पे लिखना है दायां, दायां का जो मान है वह हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 20। फिर हम लोग आगे बढ़े, बढ़ने के साथ ही आप लोगों ने देखा क्वेश्चन में दोबारा से दायां दे रखा है, दायां का जो मान है वह हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 15। तो यहां पे आपको लिखना है 15। ये लिखने के बाद में फिर हम लोगों को आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के साथ ही क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बायां। तो यहां पे आपको लिखना है बायां, और बायां का जो मान है वह कितना है, 9। अब क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, बढ़ने के साथ ही क्वेश्चन में दे रखा है दायां, और दायां का जो हमारे पास मान है वह कितना है, 10 है। ये कंप्लीट यानी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग लिखने के बाद में मेरे दोस्तों आप लोगों को सबको पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे मेरे दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो सोल्व करेंगे वह यहाँ पे नंबरिंग देना है, इसको एक नंबर, इसको देना है दो नंबर, इसको देना है तीन नंबर, इसको देना है चार नंबर। मीन्स आप लोग समझ चुके हैं कि सबसे पहले हम लोग जो सोल्व करेंगे वह करेंगे किस किस को, एक नंबर और दो नंबर को। एक नंबर दो नंबर को सोल्व करने का मतलब, एक नंबर का मतलब दाया है, दो नंबर का मतलब दाया है, बीच में निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा। 20 में से 15 गए तो हमारे पास कितना बचा है, 5 बचा है। मीन्स सोल्व हो चुका है कितना नंबर, दो नंबर। अरे भाई साहब अब हम लोग कह सकते हैं कि एक नंबर की जो वैल्यू है वह, एक नंबर का मतलब दायां, और दायां का जो मान हो चुका है वह कितना हो चुका है, 5 हो चुका है। 5 होने के बाद में अब हमें सोल्व करना है एक नंबर और कितना नंबर, 3 नंबर। एक नंबर का मतलब दायां है, 3 नंबर का मतलब बायां है, पहले दायां फिर बायां, बीच में निशान किसका होगा, प्लस का। अतः मेरे दोस्तों हम लोग कह सकते हैं 9 और 5 हम लोगों के पास कितना होता है, 14, और 14 हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वह कितने नंबर की बनेगी, एक नंबर की। मीन्स हमारा सोल्व हो चुका है कितना नंबर, 3 नंबर। अब हम लोग जो सोल्व करेंगे वह करेंगे किस किस को, आपको सबको पता है कि अब हम लोग जो सोल्व करने जा रहे हैं वह सोल्व करने जा रहे हैं एक नंबर एंड 4 नंबर। एक नंबर की वैल्यू अब हमारे पास कितनी बन चुकी है, 14 बन चुकी है। एक नंबर का मतलब क्या हो गया है, दायां हो गया है। अरे तो पहले दायां है फिर दायां है, बीच में जो निशान आएगा वह किसका आएगा, माइनस का आएगा। यदि हम लोग 14 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4, और 4 पे कौन आता है, डी। लेकिन मेरा वही फिर दोबारा से क्वेश्चन आप लोगों से, क्या इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। आप लोग कहेंगे कि नहीं सर इस क्वेश्चन का आंसर डी नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टार्ट कहां से है, जेड से है, और जब भी क्वेश्चन जेड से स्टार्ट हो तो आए हुए मान को हम लोग घटाते हैं कितने में से, 27 में से।
27 में से 4 गए तो हमारे पास कितना बचा 23, और 23 पे जो आएगा वह कौन आएगा W। चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो आप लोग यानी कि अपने नोटबुक में साथ के साथ लिख सकते हैं। अरे मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने समझाया है वो ये समझाया है कि चाहे क्वेश्चन आप लोगों के सामने दो स्टेप में हो चाहे तीन स्टेप में, यानी दो से कितने भी अधिक स्टेप क्यों ना हो, आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको करना क्या है, आपको ये करना है पहले एक नंबर दो नंबर को सोल्व करना है, फिर एक नंबर तीन नंबर को सोल्व करना है, फिर एक नंबर चार नंबर को सोल्व करना है। यदि आप लोग समझ चुके हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे शर्त नंबर तीन को लेकर। शर्त नंबर तीन को लेकर, शर्त नंबर तीन क्या है मेरे दोस्तों, उसको बड़े ही प्यार से आपको ढंग से समझना है, क्योंकि शर्त नंबर तीन अपने आप में खतरनाक शर्त है। यदि आप लोग क्वेश्चन को तरीके से ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। यहां शर्त नंबर तीन में लिख रहा हूं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। यहां मैंने आप लोगों के सामने एक लाइन लिखी है, लाइन ये लिखी है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से यह है कि इस लैंग्वेज का मतलब क्या हो रहा है। जो बंदा इस लैंग्वेज का मतलब समझेगा उसी बंदे का क्वेश्चन का आंसर सही होगा, अन्यथा उसका गलत होगा। जब आप लोगों के सामने अगर ये लैंग्वेज लिखी हुई हो तो इसका मतलब ये होगा कि सर प्रथम अर्धांश हमारा उल्टा है बट दूसरा अर्धांश हमारा क्या है, सीधा है। प्रथम अर्धांश उल्टा लिखने का मतलब क्या है कि जहां था ए वहां कौन आ गया एम, जहां था एम वहां पे कौन आ गया ए, बट नीचे वाले 13 अक्षरों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस चीज का स्पेशल ध्यान देना, कहीं ऊपर वाले 13 अक्षरों को चेंज कर लो, नीचे वाले 13 अक्षरों को बोले गुरुजी गायब कर दो क्या। अरे भाई साहब कर दे, लेकिन करने से होगा क्या, तेरे क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। अतः ऊपर वाले प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने का मतलब फर्स्ट के जो 13 अक्षर हैं उनको उल्टे क्रम में लिखना है, नीचे वाले जो 13 अक्षर हैं उनको एज इट इज नीचे की नीचे सेट करना है। यहां से काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों का आंसर हम लोग देंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को जो मेथड के माध्यम से क्वेश्चन का आंसर देना है वो किस टाइप से देना है, पहले मैं एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं फिर उसके बाद में मैं पूरा आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं छोर से चौथे अक्षर के दाएं छठवां अक्षर क्या होगा। देखिए आपके सामने जो शर्त नंबर है वह तीन है, और शर्त नंबर तीन क्या है, माना कि शर्त नंबर तीन को आप लोग भूल जाओ, माना कि आप लोग एग्जाम देने के लिए गए, जाते ही आप लोगों ने देखा तो क्या देखा कि आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ आया है और वो क्वेश्चन ये था।
यानी यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं छोर से चौथे अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर क्या होगा। जैसे ही क्वेश्चन की ये लैंग्वेज आप लोगों को मिले तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके होंगे। तरीका नंबर वन आपका होगा मेथड, तरीका नंबर टू आप लोगों का होगा ट्रिक। लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग मेथड के माध्यम से देंगे। देखिए मेथड के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। प्रथम अर्धांश उल्टा क्रम में लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां हमारा कौन होगा, ए होगा, यहां कौन होगा, बी, यहां सी, यहां डी, यहां ई, यहां एफ, यहां जी, यहां एच, यहां आई, यहां जे, यहां के, यहां एल और यहां पे क्या होगा एम। अब दोस्तों ध्यान देना, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहां पे हमारा क्या आएगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमारी जो अल्फाबेट का प्रारूप होगा वह कैसा होगा, वह ऐसा होगा। फर्स्ट के जो 13 अक्षर हैं वह चेंज हो जाएंगे, नीचे के जो 13 अक्षर हैं वह एज इट इज जैसे थे वैसे के वैसे रहेंगे, उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि जानबूझकर आप लोग परिवर्तन कर देंगे तो और कुछ भी नहीं होगा, पाकिस्तान अटैक नहीं करेगा, बट आपके क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। आइए मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले हम लोग देते हैं मेथड के माध्यम से। आप लोगों ने अपने द्वारा अल्फाबेट लिख ली, अल्फाबेट लिखने के बाद में याद रखना छोर पहले भी ये बायां था और अब भी छोर ये बायां ही है, छोर पहले भी ये दायां था और अब भी ये दायां ही है। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, भाई साहब लिख दिया जाए तो बाईं छोर से, बाईं छोर का मतलब सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है कि इस क्वेश्चन में हमें चलना कहां से है, तो याद रखना है हमें कहां से चलना है, एम से। अरे भाई साहब एम से तो चलना है, लेकिन चलना कौन सा अक्षर है, चौथा अक्षर चलना है। तो यहां से काउंट करेंगे, एक दो तीन चार, कौन मिला, जे मिला, जे का ये क्या होगा, राइट होगा, और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। आगे क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, रुकना 1% भी नहीं है। चौथे अक्षर के अब हमें क्या चलना है, दायां चलना है, दायां तो चलना है, लेकिन चलना कितना, छह है। यहां से काउंट करो, एक दो तीन चार पांच छह। अतः मेरे दोस्तों हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, डी होगा। लेकिन आपके मन ही मन इतना एक क्वेश्चन आ रहा है, वह क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर पहले तो आपने राजी करने के लिए ट्रिक बता दी, मेथड के साथ ट्रिक भी बताई, हम लोगों ने क्वेश्चन का आंसर मेथड से भी दिया ट्रिक से भी दिया, लेकिन क्या इस क्वेश्चन का आंसर ट्रिक से नहीं होगा। अरे नहीं मेरे दोस्तों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग महेश चौधरी सर के साथ पढ़ रहे हैं और महेश चौधरी सर कभी भी दिमाग में किसी प्रकार का कोई एरर नहीं छोड़ता है। आपको चिंतित होने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। माना कि आप लोग एग्जाम देने के लिए गए, जाते ही आप लोगों ने देखा तो ये लैंग्वेज आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी, बट ओनली ये लैंग्वेज आपको लिखी हुई मिलेगी। ये लैंग्वेज लिखी हुई मिलने के साथ ही सबसे पहले आप लोगों को यह समझना है ओनली कि फर्स्ट के 13 लेटर हैं वह इंटरचेंज हैं, बट नीचे वाले जो 13 लेटर हैं वह एज इट ही हैं। एज इट ही होने के बाद में जो मैंने आप लोगों को रूपरेखा बताई थी उसी रूपरेखा के माध्यम से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन में दे रखा है सबसे पहले बायां, तो यहां पर आपको लिखना है बायां, बायां का मान हम लोगों को लिखना है कितना रे दोस्तों, 4। फिर आपको क्या लिखना है, दायां और दायां का मान हम लोगों को कितना लिखना है, 6। आप लोग समझ चुके हैं कि पहले क्वेश्चन में बायां हो और फिर दायां हो तो बीच में निशान हम लोग लगाएंगे किसका, प्लस का। 6 और 4 होते हैं हमारे पास 10। यहां पे वो दो पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछने वाला हूं जो मेरे दोस्तों ऑलरेडी मैं शर्त नंबर 1 और शर्त नंबर 2 के अंदर आप लोगों को सिखा चुका हूं। एक चीज का ध्यान देना, ऐसा काम मत कर लेना कि मैं आगे आगे बता रहा हूं वो सीख रहे हैं पीछे वाले आप लोग भूल रहे हैं। नहीं मेरे दोस्तों, आपको यानी कि जितने भी कंडीशन में आप लोगों को बताने जा रहा हूं हर कंडीशन आप लोगों को याद होना जरूरी है।
तो यहां 10 पे देखिए मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा 10 पे वैसे कौन आता है जे। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि इस क्वेश्चन का आंसर जे होता यदि यह क्वेश्चन प्रारंभ होता कहां से। जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसके दिमाग में क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, अरे भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर जे होता यदि ये क्वेश्चन स्टार्ट होता हमारा कहां से, ए से, कहां से, ए से। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा क्या ये क्वेश्चन ए से स्टार्ट है? आप लोग कहेंगे नहीं गुरुजी ए से स्टार्ट तो नहीं है, ये तो एम से स्टार्ट है। चलो मेरा एक दूसरा क्वेश्चन और है कि जे का अपोजिट कौन होता है क्यों, या हम लोग इस 10 को 27 में से कब घटा दें। तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर 27 में से हम यानी 10 को तब घटाते जब क्वेश्चन स्टार्ट होता हमारा कहां से, जेड से। लेकिन मैं आपसे बड़े ही प्यार से पूछ रहा हूं क्या यह क्वेश्चन ए से स्टार्ट है, नहीं है। क्या यह क्वेश्चन जेड से स्टार्ट है, नहीं है। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट है, एम से स्टार्ट है। गुरुजी आपको क्या यानी कि चमत्कार हुआ, आपको कैसे पता चला कि ये क्वेश्चन एम से स्टार्ट है? अरे मेरे देवी देवताओं, ये मेरे को नहीं आप लोगों को भी पता चल रहा है यदि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लोग पढ़ रहे हैं तो। क्वेश्चन की लैंग्वेज जब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको क्या मेरे को खुद को पता नहीं चलेगा कि इस क्वेश्चन में हमें चलना कहां से है। क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं छोर से, मींस बायां का मतलब कहां से, एम से, चौथे अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जे एंड क्यू तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन ना तो ए से स्टार्ट है ना ही आपका जेड से स्टार्ट है। अतः आप लोग समझ चुके हैं कि ये क्वेश्चन तो हमारा स्टार्ट है कहां से, एम से। तो सुन लो, समझ लो, दिमाग को आराम से यानी कि ठीक कर लो, कानों में अगर किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक है तो उसको दूर कर लो। यहां पे जो मैं टेबलेट देने वाला हूं सुबह शाम 3 टाइम भूखे पेट छाछ के साथ आपको यूज करना है। गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन होगा उसका चुटकियों के साथ आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। सुन ले जी भाई, सुन ले क्या वो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज ये है कि यदि क्वेश्चन प्रारंभ हो रहा हो कहां से, एम से। सबको सुनना है, आगे से सुनना है, पीछे से सुनना है, दाएं से सुनना है, बाएं से सुनना है, पड़ोसी को भी जोर जोर चिल्ला चिल्ला के सुनाना है कि यदि क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा हो कहां से, एम से। और जोड़ने पर तथा घटाने पर योग हो 13 या 13 से कम। मैं फिर दोबारा से बताना चाहूंगा, यदि क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा हो कहां से, एम से, और जोड़ने पर तथा घटाने पर योग हो रहा हो 13 या 13 से कम, तो आए हुए मान को हम लोग 14 में से घटा देंगे। कितने में से घटा देंगे, 14 में से। खोपड़ा खराब हो गया, बोले गुरुजी 14 में से क्यों, ये 14 कहां से आया। जिस प्रकार 27 आया था उसका तो हमें पता चल गया था, लेकिन ये 14 कहां से आ गया। अरे भाई साहब मैं कहीं किराए से नहीं लेकर आया हूं, जरा आपको आंखें फाड़कर यहां बोर्ड पे ध्यान देना है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि अल्फाबेट का जो ए आता है वह एक पर आता है, एम जो आता है वह कितने पे आता है, 13 पे आता है। यदि 13 और एक को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास योग कितना होगा, 14 होगा, मींस 14 होगा। जिस प्रकार एक का अपोजिट एम होता है प्रथम अर्धांश में, उसी प्रकार एल का जो अपोजिट होता है वह कौन होता है, बी होता है। यानी इधर से आपको बढ़ते क्रम में और इधर से आपको घटते क्रम में, यदि इन दोनों लेटरों को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास जो कैलकुलेशन होगा वह कितना होगा, 14 होगा। मींस मेथड के माध्यम से आप लोग देख चुके हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी आ रहा है। अब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर ट्रिक से देंगे। अरे भाई साहब आप लोगों ने देखा कि यहां पर योग हमारे पास कितना है, 10 है। अभी मैंने आप लोगों को सुनाया है या लिखाया है कि यदि क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा हो कहां से, एम से, और जोड़ने पर घटाने पर योग हो 13 या 13 से कम। 13 या 13 से कम तो इसको हम लोग घटाएंगे कितने में से, 14 में से।
यदि 14 में से हम लोग 10 घटाया तो हमारे पास कितना बचा? 4। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अल्फाबेट में 4 नंबर पे कौन आता है? डी, डी फोर दूध वाला, या डी फोर हम लोग वैसे भी कह सकते हैं कि ए बी सी डी। डी जो आता है वह कितने पे आता है? 4 पे। फाइनली सीखने को क्या मिला है? फाइनली सीखने को आपको यह मिला है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हुआ हो, बड़े प्यार से बोल रहा हूं, चीज को नोट करना, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हुआ हो और क्वेश्चन एम से प्रारंभ हो रहा हो, और प्रश्न कहां से प्रारंभ हो रहा हो? एम से प्रारंभ हो रहा हो, तथा जोड़ने पर तथा घटाने पर योग 13 या 13 से कम हो, तो आए हुए मान को हम लोग घटा देते हैं कितने में से? 14 में से। देखो कुछ बच्चे होते हैं एक्स्ट्रा, उनके दिमाग में अगला क्वेश्चन ये चल रहा है, बोले गुरुजी अगर योग 13 से अधिक हो गया तो क्या करेंगे? तो भी पाकिस्तान अटैक नहीं करेगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग बुद्धिजीवी प्राणी हैं, गारंटी है क्वेश्चन को थोड़ा सा तरीके से आप लोग पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे दोस्तों, आगे जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, 3 क्वेश्चन और करवाऊंगा, हो सकता है उससे भी ज्यादा करवा दूं, लेकिन आगे जो भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रेजेंट टाइम में सोल्व कराऊंगा वह शर्त नंबर 3 के अकॉर्डिंग सोल्व करवा रहा हूं, मीन्स अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हुआ मिलेगा, या फिर मैं कंप्लीट लैंग्वेज लिख देता हूं। जैसे आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 2 आया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो 22 छोर से 11वें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर क्या होगा? अगर आप लोग चाहे राजस्थान पुलिस की एग्जाम दो, चाहे दिल्ली पुलिस की एग्जाम दो, चाहे एसएससी कांस्टेबल जीडी की एग्जाम दो, चाहे एसएससी सीजीएल की एग्जाम दो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम दो, चाहे आप लोग बैंक की एग्जाम दो, अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन की ये कंप्लीट लैंग्वेज आपको लिखी हुई मिलेगी, आपको चिंतित होने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो जितना लिखा हुआ है उससे एक्स्ट्रा कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझना होगा कि हमें क्या करना है, हमें नाचना है या गाना है या सोना है, या हमें क्वेश्चन का आंसर किस टाइप से देना है, ये आपको खुद को डिसाइड करना होगा। आप लोग समझ तो चुके होंगे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में, मीन्स यहाँ पे हमारा कौन है? एम है। यहाँ पे हमारा कौन है? ए है। यहाँ पे हमारा कौन है? एन है। और यहाँ पे हमारा कौन है? जेड है। हमारी अल्फाबेट की ऐसी कंडीशन है, ऐसी कंडीशन है तो होने दीजिएगा, हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना है बायां, तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना है बायां। बायां का जो मान है वह हमारे पास कितना है? 11। फिर आगे क्वेश्चन में दोबारा से हम लोगों को दिया हुआ है क्या रे? बायां। और बायां का जो मान है वह कितना देर का है? 7 देर का है, तो यहाँ पे हमें लिखना है 7। अरे मेरे दोस्तों, लेफ्ट लेफ्ट जो होता है वह क्या होता है? माइनस होता है। यदि 11 में से हम लोग 7 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 4 बचेगा, और 4 जैसे ही बचे तो 4 पे डी आता है, लेकिन क्या इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा? आप लोग कहेंगे नहीं सर, इस क्वेश्चन का आंसर डी नहीं होगा, ये क्वेश्चन कहां से स्टार्ट है? एम से स्टार्ट है,
तथा जोड़ने पर तथा घटाने पर योग 13 या 13 से कम है या ज्यादा है? आप लोग फिर बोलेंगे कि सर कम है, कम है तो आए हुए हैं। हम लोग मान को घटाएंगे कितने में से? 14 में से। यदि 14 में से 4 गया तो हमारे पास कितना बचा? 10 बचा। और 10 पे अल्फाबेट में हमारे पास जो आएगा वह कौन आएगा? जे आएगा। जहाँ तक मेरा मानना है आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझ चुके हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को बोल रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं छोर से दसवें अक्षर के दाएं नवा अक्षर क्या होगा? जो रियल में एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो रियल में पढ़ने वाला स्टूडेंट है, मेरी गारंटी है इस क्वेश्चन को पढ़ चुका होगा और पढ़ने के साथ ही अब तक उसके क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका होगा। यहाँ क्वेश्चन हम लोगों को ये बोल रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, मीन्स हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा कौन होगा? एम होगा। और यहाँ पे हमारा कौन होगा? ए होगा। यहाँ हमारा कौन होगा? एन होगा। और यहाँ पे हमारा कौन होगा? जेड होगा। अरे दोस्तों, ये इसका छोर क्या है? बायां छोर है। और ये छोर हमारे पास क्या है? दायां छोर है। क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से आप लोगों को पढ़ना है। प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कहाँ से? बाईं से। मीन्स यहाँ आपको लिखना है बायां, और बायां का मान हम लोगों के पास कितना है? 10 है। फिर क्वेश्चन के अंदर हमें आगे क्या चलना है? दायां, तो यहाँ पे लिखना है दायां, और दायां का मान हमारे पास कितना है? 9 है। एक बात बताओ दोस्तों, पहले क्वेश्चन में बायां हो और फिर क्वेश्चन में दायां हो, तो वहां बीच में जो निशान यूज हम लोग करते हैं वह किसका करते हैं? प्लस का यूज करते हैं। मीन्स मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि 10 + 9 बराबर हमारे पास कितना हो गया? 19 हो गया। 19 होने के साथ ही आप लोगों का खोपड़ा खराब हो चुका है। बोले गुरुजी लो, अब की बार ले लो, ये जो हमारा जो योग है वह तो 13 से अधिक आ चुका, अब हम लोग क्या करें? अरे करना क्या है मेरे दोस्तों, हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि यहां से लेकर यहां तक कितने अक्षर हैं? सर 13 अक्षर हैं। यहां हमारे पास योग कितना है? सर 19 है। तो क्या ये क्वेश्चन ऊपर वाले अर्धांश में है? अरे है क्या ऊपर वाले अर्धांश में? अब आपके भाई साहब खोपड़े का बटन यानी दरवाजा खुला। बोले हाँ गुरुजी, अब की बार बात समझ में आ गई, ये तो ऊपर वाले अर्धांश में नहीं है, ये तो नीचे वाले अर्धांश में आ चुका है। क्योंकि ऊपर तो अक्षर ही प्रथम अर्धांश में 13 है, यहां हमारे पास टोटल कितना आ रहा है? 19 आ रहा है। 19 आ रहा है तो ये तो क्वेश्चन नीचे वाले अर्धांश में आ रहा है। अरे नीचे वाले में आ रहा है तो हमें प्रॉब्लम किस बात की है? नीचे वाला अर्धांश तो एज इट इज जैसा था वैसा का वैसा है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। तो एक बात बताओ दोस्तों, ऊपर से यदि हम 19 नंबर पे काउंट करें तो यहां तक 13 है, फिर इनका सीरियल नंबर चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज जैसे थे वैसे के वैसे रहेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि 19 नंबर पे जो आएगा वह कौन आएगा? ऐसा आएगा। मीन्स अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हुआ हो और क्वेश्चन हमारा एम से प्रारंभ हो रहा हो तथा जोड़ने पर घटाने पर योग 13 या 13 से अधिक हो रहा हो, तो समझ जाना कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
यहां कंडीशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, योग हमारा 19 हुआ था। 19 होने के साथ ही हम लोग कह सकते हैं कि ऊपर वाले अर्धांश में 13 अक्षर हैं, नीचे वाले में 13 अक्षर हैं। यह क्वेश्चन ऊपर वाले अर्धांश में नहीं रुका है, यह तो नीचे वाले में आ चुका है। नीचे वाला एज इट इज जैसा था वैसा का वैसा है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। अतः 19 नंबर पर जो होगा वह कौन होगा दोस्तों? एस होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब थोड़ा सा मैं हार्ड क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4। अब थोड़ा सा मैं हार्ड क्वेश्चन क्या करवा रहा हूं, जरा आराम से क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, साथ के साथ लिखना है। क्वेश्चन बोला यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं छोर से दसवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर क्या होगा? देखो, एक तो होता है सीखना और एक होता है रटना। यदि आप रटा रटाया क्वेश्चन का आंसर देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर गलत होगा, लेकिन यदि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझकर क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर सही होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, पहले इस क्वेश्चन का आंसर मैं मेथड के माध्यम से लूंगा। भाई साहब, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है, कोई बात नहीं, लिख देंगे। लिखने के साथ ही हम लोग कहेंगे कि यहां पर हमारा कौन होगा? ए होगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के L और ये क्या आ गया? M आ गया। अब हमारा यहां क्या होगा? N O P Q R S T U V W X Y और ये क्या हो गया? Z। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, भाई साहब लिख दिया, और लिखने के बाद में मैं आप लोगों को यह भी बता रहा हूं कि ये छोर क्या होगा? बायां छोर होगा, और ये जो छोर है वह हमारे पास क्या होगा? दायां होगा। अब आपको बड़े ही प्यार से क्वेश्चन को पढ़ना है। विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाई छोर से, अरे मेरे देवी देवताओं, मेरे भगवानों, आप लोगों को यहां पे क्वेश्चन को आराम से आंखों को फाड़ कर देखना है। यदि आप लोग आंखों को खोलकर क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे तो ऐसा क्वेश्चन आने के साथ ही वो गलत हो जाएगा। मींस क्वेश्चन बोला है दाई छोर से, तो दाया का मतलब क्या ए से चलोगे क्या? नहीं गुरुजी, हम लोग तो कहां से चलेंगे? जेड से चलेंगे। मीन्स अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश उल्टा है, लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों को चलना पड़ रहा है कहां से? जेड से। जेड से हमें चलना पड़ रहा है, कौन सा अक्षर? दसवां अक्षर। तो यहां से काउंट करना है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस। दस पे हमें कौन मिलेगा? क्यों? क्यों का ये क्या है? राइट, और ये क्या है? लेफ्ट। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ना है। क्वेश्चन के अंदर क्या देर का है? बायां, और बायां का मान कितना देर का है? सात। काउंट करो यहां से, एक दो तीन चार पांच छह सात। अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? डी होगा।
दिमाग में खतरनाक भाई साहब 120 की स्पीड से यानी क्वेश्चन दौड़ रहा है। बोले गुरुजी इस क्वेश्चन का कोई ट्रिक का जुगाड़ भी है क्या? अरे भाई साहब घबराने की आवश्यकता नहीं है, भगवान ने चाहा तो करण अर्जुन ही आए थे, क्वेश्चन का आंसर ट्रिक से भी आएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपको दायां लिखना है, दायां का मान कितना लिखना है 10 लिखना है। फिर क्वेश्चन में क्या है, बायां है, बायां का मान हमारे को कितना लिखना है 7 लिखना है। ए देवता और आपको बोर्ड पे ध्यान देना है, पहले क्वेश्चन में दायां और फिर क्वेश्चन में बायां दोनों को जोड़ा तो हमारे पास कितना हो गया 17 हो गया। आपको यह भी पता है कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को कहां से चलना है, जेड से चलना है। आपको यह भी पता है कि जेड से एन तक जो अल्फाबेट है वह सीधे क्रम में लिखी हुई है, ए से एम तक की जो अल्फाबेट है वह उल्टे क्रम में लिखी हुई है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि ये जो हमारे पास कैलकुलेशन है वह नीचे वाले 13 अक्षरों में ही समा रहा है या ऊपर जा रहा है? मैं पूछना चाहूंगा ऊपर जा रहा है या नीचे ही है? आप लोग कहेंगे नहीं गुरुजी नीचे कहां है, नीचे तो अक्षर 13 है, यहां योग हमारे पास 17 है, 17 है तो क्या मैं पूछना चाहूंगा नीचे वाले 13 अक्षरों का कोई लेना देना है क्या? दिमाग से जैसे ही पर्दा हटा क्वेश्चन का आंसर आ गया, बोले हां गुरुजी नीचे वाले 13 अक्षरों से कोई लेना देना नहीं है। जब 13 अक्षरों से नीचे वाले से कोई लेना देना नहीं है, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में लिखा हुआ है, तो एक काम कर दे मेरे भाई, नीचे वाले 13 अक्षर घटा दे, कितना बच गया 4, और 4 पे हमारे पास कौन आएगा, अरे डी आएगा, 4 पे कौन आएगा, डी आएगा। याद रखना मेरे दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने चेंज की है, तो चेंज होने के साथ आपको चेंज नहीं होना है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश को हमें विपरीत क्रम में लिखना था, हम लोगों ने लिख दिया। फिर क्वेश्चन में हमें दाई छोर से चलना था, दाई छोर से भी चला दिया, क्वेश्चन का आंसर में मेथड से भी बता दिया। फिर यहां पे योग देखा तो योग 17 आया, 17 आने का मतलब ये क्वेश्चन तो नीचे वाले अर्धांश में नहीं है, ये तो ऊपर वाले में जा चुका है। जब ऊपर वाले में जा चुका है तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा नीचे वाले 13 अक्षरों का इसके साथ किसी प्रकार का कोई लेना देना है क्या? आप लोग बोलेंगे सर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो 17 में से 13 घटाया तो हमारे पास कितना बचा है 4, और 4 पे मेरे दोस्तों कौन आता है, डी। यहीं पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को और समझाना चाहूंगा, यदि प्रथम अर्धांश उल्टा होता, दूसरा अर्धांश सीधा होता और क्वेश्चन हमारा दायां से प्रारंभ होता और उसका योग 13 या 13 से कम आता, मींस नीचे वाले अर्धांश में आता, तो क्या करते? तो आप लोगों को कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर देना होता, मींस हम लोग जो भी वैल्यू आती उसको हम लोग 27 में से घटा देते, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता। जैसे कुछ भाइयों के दिमाग में आ रहा है सर प्लीज करवा दो ना एक क्वेश्चन, लो भाई साहब कर लो। आप लोग नाराज क्यों होते हो, मैं आप लोगों के साथ हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज वही होगी। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाई छोर से ग्यारहवें अक्षर के दाएं पांचवां अक्षर क्या होगा? मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग स्वयं निकालें, वीडियो को पॉज करें और मेरा और आपका स्वयं का सॉल्यूशन देखें, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है। तथा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हम लोगों ने पढ़ा है वह हम लोग सीखे या नहीं सीखे।
चलो सबसे पहली बात यह है कि क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। हमारा एम यहाँ पे है, ए हमारा यहाँ पे है, एन हमारा यहाँ पे है और जेड हमारा यहाँ पे है। उल्टे क्रम में लिखने के बाद में क्वेश्चन के अंदर यहाँ से पढ़ा तो क्या दे रखा है, दायां दे रखा है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, दायां लिखेंगे। दायां का मान हमारे पास कितना है, 11 है। फिर क्वेश्चन के अंदर फिर बोल रखा है दायां, और दायां का मान हमारे पास कितना है, 5 है। तो यहाँ हम लोग दायां लिख देंगे और दायां का मान हम लोग कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अरे मेरे दोस्तों, दायां जो दायां होता है वह किसका निशान होगा, माइनस का होगा। 11 में से 5 गए तो हमारे पास कितना बचा, 6 बचा। 6 बचने के साथ ही मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या ये क्वेश्चन ऊपर वाले अर्धांश में जा रहा है या नीचे वाले में। आप लोग कहोगे सर ये तो नीचे वाले में, तो नीचे वाले में है। और क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है, जेड से स्टार्ट है। तो जब नीचे वाले अर्धांश में क्वेश्चन है और योग 13 या 13 से कम है तो घटा दो कितने में से, 27 में से। यदि 27 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21। और 21 पे जो हम लोगों के सामने आएगा वह कौन आएगा, यू। कौन आएगा, यू। अतः मेरे दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है, आप लोग सीख चुके होंगे, समझ चुके होंगे कि शर्त नंबर 3 के अकॉर्डिंग जो हम लोगों के सामने किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन बने उसमें हम लोगों को चिंतित होने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने क्या सीखा है, शर्त नंबर 1 के अंदर आप लोगों ने सीखा है कि यदि क्वेश्चन प्रारंभ ऐसे हो रहा हो तो जोड़ने पर घटाने पर जो भी मान आएगा वह क्वेश्चन का क्या होगा, फाइनल आंसर। शर्त नंबर 2 के अंदर आप लोगों ने क्या सीखा है, यदि क्वेश्चन आप लोगों का स्टार्ट हो रहा हो कहाँ से, जेड से, तो जोड़ने पर तथा घटाने पर जो भी मान आएगा वह क्वेश्चन का फाइनल आंसर नहीं होगा, उसको घटाना है कितने में से, 27 में से। शर्त नंबर 3 के अंदर आप लोगों ने क्या सीखा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में हो और दूसरा अर्धांश सीधे क्रम में हो और क्वेश्चन हमारा एम से प्रारंभ हो रहा हो और जोड़ने पर घटाने पर योग 13 या 13 से कम हो तो आए हुए मान को हम लोग घटा देते हैं कितने में से, 14 में से। शर्त नंबर 3 के अंदर ही आप लोगों ने एक छोटी सी बात और सीखी है कि प्रथम अर्धांश उल्टा है, दूसरा अर्धांश सीधा है और क्वेश्चन हमारा जेड से स्टार्ट हो रहा है, तो जोड़ने पर घटाने पर योग 13 से अधिक मीन्स ऊपर वाले उल्टे अर्धांश में जा रहा है, तो उस टोटल में से हम लोग नीचे वाले 13 अक्षर घटा देंगे और घटाने के साथ जो मान आएगा वह हमारे पास क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। दोस्तों बताना चाहूंगा कि अल्फाबेट का जो टॉपिक है वह रीजनिंग के अंदर लगभग टॉपिकों से बड़ा है और ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि ऐसी कोई एग्जाम नहीं बनी है जिसके अंदर एक या दो या तीन क्वेश्चन लेकर ना आए। इसलिए अभी काफी शर्त हमारे पास बची हुई है जिनकी चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक नेक्स्ट क्लास नहीं आए तब तक अपने आप को बड़े ही दमदार तरीके से किसी भी नोट से या किसी भी कहीं से आप लोग क्वेश्चन उठा सकते हैं, मेरा तरीका आप लोग लगा सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही होगा, बाकी होगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।